कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आने में देश को अभी भी लंबा वक्त लग सकता है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान कुछ हिस्सों में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि पुरानी स्थिति में वापस पहुंचने के लिए अभी 2 से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के विशेषज्ञों के मुताबिक अनुमान है कि बीते मार्च माह से संक्रमण के नए मामले बढ़ना शुरू हो गए थे। अभी देश में 36 लाख से भी अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। इस आंकड़े को 1 से 2 लाख आने में कम जुलाई से अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई, जिसने सरकार की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। बीते फरवरी की स्थिति में पहुंचने के लिए देश को अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। ICMR ने अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में हालात काबू में लाने के लिए 6 हफ्तों तक लॉकडाउन की पैरवी की है। ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि जिन जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, उन्हें 6 से 8 हफ्तों के लिए अभी और बंद करने की जरूरत है। फिलहाल देश के 718 में से 3/4 जिलों में अधिक संक्रमण के हालात है। इनमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।